दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री पेपर स्कूल में मैं हमेशा आपको नए वीडियोस देता रहता हूं। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट था, तो सभी एप्लीकेंट्स ने काफ़ी मेहनत की और उनका जुनून दोस्तों देखते ही बनता था कि रात के 12 बजे तक सब लोगों ने अपना एप्लीकेशन किया और काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट किया और उस मेहनत और एफर्ट का धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और दोस्तों, जहां पे सिंगल एप्लीकेशन था, वो चाहे ग्रुप 1 में रहे हों या ग्रुप 2 में रहे हों या फिर ग्रुप 3 में रहे हों, तो ग्रुप 1 वालों का और ग्रुप 2 वालों का जहाँ पर भी सिंगल एप्लीकेशन था, उनका सिलेक्शन, प्रोविजनल सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब साथी दोस्तों, आप सिलेक्शन शुरू हो चुका है तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है। तो जिनको करना है उनके लिए मैंने लास्ट में, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। दोस्तों, आप लोग भी प्रिपेयर हो जाएं, जो भी आपने अपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डेटा दिया हुआ है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में दिया है, वो चाहे आपका पर्सनल डिटेल रहा हो, दैट इज कि आपका पैन कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, जिन्होंने जो चीज़ भी दिया है दोस्तों, उसको आप प्रिपेयर कर लें। और साथ ही दोस्तों, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ लोगों ने 10th 12th ग्रेजुएशन सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो दोस्तों इसमें मिनिमम की ज़रूरत थी तो मिनिमम ही डालना चाहिए था, बट आपने मैक्सिमम जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस थी उसको ऐड कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे प्लॉट से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों का दोस्तों आप एक कलेक्शन कर लें, एक PDF बना के रख लें, और जितने भी उसमें अपेंडिक्स थे, दैट इज़ Appendix 3 था जो फैमिली वालों के लिए था, Appendix 10A जो सबको मैंडेटरी है, और साथ ही दोस्तों जो भी उनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रही हो या कैटेगरी का अपेंडिक्स रहा हो, जैसे Appendix 6, Appendix 7A, 7B, और साथ ही दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप थे जिनमें 9A, 9B, 9C लगना था, और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्मी से थे या फिर एक्स सर्विसमैन थे, तो उन्होंने अपेंडिक्स 8 लगाया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप प्रिपेयर कर लें, बना के रख लें और कोशिश करें कि सबको स्कैन करके एक PDF बना के अपने पास रखें, क्योंकि दोस्तों कभी भी आपके पास मेल या मैसेज आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेल और मैसेज की बात करें तो दोस्तों, आप वो फ़ोन नंबर जो आपने अपने फॉर्म में दिया है और वो email ID जो अपने फॉर्म में आपने मेंशन किया है, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस मेल आईडी को और उस फोन नंबर को आप बराबर चेक करते रहिए। दिन में कम से कम एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास भी इंटीमेशन आ गया है सिलेक्शन का, प्रोफेशनल सिलेक्शन का, और आपको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप जो है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखे ही रहेंगे और इमिडिएट उसको डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आप जो भी करिएगा, किसी एक एक्सपर्ट के गाइड में करिएगा, गाइडेंस में कीजिएगा, किसी भी पर्संस के साथ कीजिएगा जिनको इसकी नॉलेज हो, और जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो गलत अपलोड ना हो जाए, उनकी साइज क्या है, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि साथी दोस्तों, अब जो है कुछ जो हमारे भाई हैं जिन्होंने ग्रुप 3 में अप्लाई किया था, उनके भी आउटपुट्स आने लगे हैं, इनपुट्स आने लगे हैं, उनका भी सिलेक्शन, प्रोविजन सिलेक्शन के मेल और मैसेजेस आने लगे हैं। मैं इसको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्रुप 3 वालों के लिए भी मैसेज या मेल आ सकता है, जिसमें दोस्तों आपको 90 डेज का टाइम दिया जाएगा। उन 90 डेज में आपको उस एडवर्टाइज लोकेशन में जहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वहाँ पे दोस्तों आपको प्लॉट का अरेंजमेंट करना होगा, जो भी उनका डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है।
तो दोस्तों वहां पे एडवर्टाइज लोकेशन में आपको लैंड का अरेंजमेंट करना है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट अगर एनएच पे है तो जो एनएच की गाइडलाइन है उनको आप देख लीजिएगा कि इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, मीडियन गैप क्या है, आरओडब्ल्यू कितना है, इन सब चीजों का ध्यान रख के ही आप जमीन का अरेंजमेंट कीजिएगा। सपोज दैट इसी तरह से स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे पे भी ये रूल आपको फॉलो करने हैं, ओडीआर रोड है या फिर पीडब्ल्यूडी रोड है तो उसमें भी ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। दोस्तों आपने अगर ग्रुप 3 में अप्लाई किया है और आपके पास भी मेल या मैसेज आ गया है कि आपको एडवर्टाइज लोकेशन में लैंड का अरेंजमेंट करना है, जमीन प्लॉट का अरेंजमेंट करना है, तो दोस्तों अगर आप वहाँ पे एडवर्टाइज लोकेशन में लैंड या प्लॉट देख रहे हैं तो जिस जगह पे भी है या जिस रोड पे भी है उस सारे रोड का भी आपको नेशनल हाईवे पे है तो जो भी नेशनल हाईवे के गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, स्टेट हाईवे के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा। सपोज दैट कोई पीडब्ल्यूडी या रूरल रोड पे है, रूरल रोड है उस पे है, तो उसको भी आप दोस्तों उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके ही आप प्लॉट को देखिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप प्लॉट को अरेंज कर देंगे और प्लॉट को लीज करवा लिया आपने या फिर दोस्तों आपने उसका रजिस्ट्री करा लिया, तो इसमें दोस्तों आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी आप लैंड लें वो किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन में ही, गाइडेंस में ही आप लैंड को लें, जिससे कि आप लैंड लें तो वो आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बड़ी मिन्नतों के साथ ये वैकेंसी आई हुई है 5 सालों के बाद, और ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका जो भी एफर्ट है, जो भी आपने मेहनत किया और वो कहीं से छूट जाए, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। किसी के गाइडेंस पे ही आप काम करें, ठीक। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है, डॉक्यूमेंट्स बना लेना है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट भी आया है कि सर सपोज दैट कि मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको मैं पे कर दूँ, और इसके बाद अगर मेरा प्लॉट या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या मेरा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस होगा। दोस्तों आप इनका ब्राउज़र को पढ़िएगा तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ कि जो भी आपका इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, अगर आपका प्लॉट या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रह जाती है तो वो आपका वो रिटर्न नहीं होगा। तो इस चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाए, चाहे वो 20,000 का हो या 30,000 का हो, 50,000 का हो, जो भी हो दोस्तों, तो इसमें आपको लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस वजह से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से, और डॉक्यूमेंट्स में मैंने दोस्तों बता दिया कि इसमें आपका पैन कार्ड, अपेंडिक्स 10A, अगर नॉन इंडिविजुअल हैं तो 10B, साथ ही दोस्तों खसरा और खतौनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैच करना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में डाला है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से आप हैं तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कोई नंबर गलत डाल दिया है और आपने खसरा खतौनी दूसरा किया है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आपको दिक्कत ना हो, और जो भी आपने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स दी हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ना कर पाएँ तो किसी ऐसे पर्सन से कराइएगा जो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे सपोज दैट किसी ग्रुप किसी एक लोकेशन पे ग्रुप में ग्रुप 1 में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, ग्रुप 2 में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ग्रुप 1 वालों का सिलेक्शन किया जाएगा, और ग्रुप 1 में वालों में से कोई एक सिलेक्ट होगा उसको ये सारे प्रोसेस फिर से करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड अगर सब कुछ सही रहा, सारी चीज़ें सही रहीं, तो फिर आपका दोस्तों फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल होगा, वहाँ पे जाके आपके ज़मीन को देखा जाएगा, वहाँ की जो भी आरओडब्ल्यू होगी उसको देखा जाएगा, कट जो है उसको देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही दोस्तों आपको LOI के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आपका ये फर्स्ट स्टेप है जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में दोस्तों आपको फील्ड वेरिफिकेशन होगा, आपका जो है लैंड की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, जो भी गाइडलाइन दिया गया है इनके ब्रोशर में उन सबको फॉलो करना ही होगा,
क्योंकि ये गाइडलाइन कुछ NHI के भी हैं और साथ ही कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी के भी हैं, तो उन सारे गाइडलाइन को बिना फॉलो किए कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो सेकंड स्टेप में आपको लैंड वेरिफिकेशन होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद दोस्तों अगर वो सब कुछ सही पाया गया तब आपको LOI मिलेगा, और LOI मिलने के बाद दोस्तों फिर आपको एक स्क्रेच लेआउट दिया जाएगा, एक डायग्राम दिया जाएगा, और उसके साथ ही दोस्तों एक कवरिंग लेटर के साथ आपको जो है NOC के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के NOCs हैं उसके लिए आपको आगे बोला जाएगा कि आप NOCs ले लीजिए। NOC का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है दोस्तों, और अब तो कुछ प्रोसेस जो है ऐसा हो गया है, कुछ ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कुछ को ऑनलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ और अपडेशन हो जाए NOC के लिए, और NOC आपका इजीली मिल जाए। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो सिंगल विंडो होना चाहिए, एक जगह से सारी NOCs मिल जाए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको बार बार जाना पड़ता है NOC के लिए, और जब दोस्तों आपका NOC क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका वहाँ पे सारी चीज़ें और सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए, और जब भी आगे ज़रूरत पड़ेगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आगे की प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट दोस्तों अच्छी तरह से करें जिससे कि आप आगे तक पहुँच पाएँ, जो आपका एम था पेट्रोल पम्प डीलरशिप के लिए वो आपको मिल पाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।